सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वाकिफ है कि कर्नाटक में क्या हालात हो रहे हैं। मैं सिर्फ तो दो मुद्दा सर, कर्नाटक की नहीं, ये शिकार की राजनीति को बंद करना चाहिए, ये पोचिंग पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। आज कर्नाटक, काल मध्य प्रदेश, इस तरीके की इलेक्टेड गवर्नमेंट एक के बाद एक को अगर तोड़ा जाए, अगर इनको इसको तोड़ा जाए, डिसमेंटल किया जाए पैसा के लालच में और मासिल से, ये सही नहीं है सर। राजभवन से निकलते हैं, राजभवन से निकलते हैं विधायक, उनके लिए गाड़ी खड़ा है, एयरपोर्ट जाएंगे हवाई जहाज खड़ी है, होटल आलीशान होटल सब तैयार है। और ये सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कहते हैं हम अभी कर्नाटक ले रहे हैं, इसके बाद हम मध्य प्रदेश लेंगे, ये शिकार की राजनीति, पोचिंग पॉलिटिक्स हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये पोचिंग पॉलिटिक्स को बंद करना चाहिए, इसी के लिए हम सदन में आए हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी का नीति और नियत पे सर हिंदुस्तान के आम लोगों की बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सरकार को इसलिए मैं दरखास्त करूंगा, सत्तारूढ़ पार्टी को इस तरीके के लोकतंत्र को आप मतलब आप किसी हालत में इसको इसको आप ढंगता इसको दहना कीजिए, लोकतंत्र को बचा के रखिए। और ये शिकार की राजनीति बंद होना चाहिए, पोचिंग पॉलिटिक्स शुड बी स्टॉप, शुड बी स्टॉप, अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक का कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का यह इतिहास रहा है किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों इसलिए मैं एक और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय, इस संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। लेकिन जो भी प्रश्न यहां पर हमारे नेता कांग्रेस लोकसभा दल और हमारे टीएमसी के नेताओं के द्वारा तो उठाया गया, तो हमारे डीएमके के बालू साहब, बालू साहब का डिफरेंस, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि त्यागपत्र दिलाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया। कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी ने ही यह सिलसिला त्यागपत्र देने का प्रारंभ कर दिया और उन्होंने स्वयं भी अपने लोगों को कहा है त्यागपत्र देने के लिए। और आपने देखा एक से एक दिग्गज नेता सारे वर्ष लगातार त्यागपत्र देने का काम कर रहे हैं और यह त्यागपत्र देने का सिलसिला तो लगातार ये चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उसका क्या लेना देना है अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आती।